हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर गुड टू शो करते हैं फिर आज का ब्लॉग। आज है 15 सितंबर, यानी मेरे पापा का बर्थडे एंड मेरे दोस्त जिगरी जिसपी चांद का भी बर्थडे होता है। तो मैं हूँ अभी पूछ, तो आज के वाला जो बर्थडे है वो तो पापा के साथ ही सेलिब्रेट होगा। तो मैं और रवि ने कुछ चीज़ें प्लान करी हैं कि हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। तो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ केक फॉर पापा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार केक का जो भी मटेरियल है सामान वगैरह वो लेने। तो अब हम बनाने लगे हैं पापा के लिए केक। तो जो रॉ मटेरियल है वो तो हो गया है रेडी और इसके बीच आएगा, तो दिन का खाना भी बन गया। तो और ये एक चीज़ मैं बना रहा हूँ कटलेट। तो अब बनने जा रहा है केक। होममेड केक बाय रबलिन को फर्स्ट क्लास दिसने हो तुस, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है तुसें इच। तो हमारा जो कटलेट का जो फर्स्ट स्टेज है वो हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद इसको आगे थोड़ा क्रिस्पी करना है। उसके लिए अभी मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ चीज़ लेने जिससे ये क्रिस्पी होंगे। तो मैं अभी आया था विशाल, तो कॉर्नफ्लेक्स चाहिए जो कटर थे उसको थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए। ये हम रोज़ करते हैं, ऋतु जब भी आता है ना स्कूल से तो हम सारे छुप जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, तो वो आके हमें ढूंढता है। तो वही आज हम कर रहे हैं। हमारे जो केक का बैटर है ये हो चुका है रेडी। अब हमने देसी जुगाड़ करके इसमें बटर पेपर बनाया है, तो अभी जाएगा इसके बीच। डबल डेकर केक बनाएंगे हम, एक पापा की साइड से एक मम्मी की साइड से काट लेंगे। इसके बगैर थोड़ी कोई वो यार नीचे लेके ना पैरा वो गिर गया, ऐसे टीवी में ही दिखता था, बस रियल में देखते हैं थोड़ा उसमें और डालते हैं नीचे लगे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो केक जो है हमारा पकने के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम आते हैं इन पर, इसको करेंगे हम क्रिस्पी इससे और बीच में डालेंगे मोज़रेला चीज़। रिदू रिदू क्या खिला रहे हो? रिदू चॉकलेट खा रहा है। आहा टेस्टी टेस्टी टाइम में बच्चा खाओ। केक जो है देख सकते हैं बिल्कुल बन गया, इसमें अभी टाइम लगना है, इसको ऊपर लिया थोड़ी सी अभी मैं ले लूँ।
केक का जो बेस है वो तो हमारा प्रिपेयर हो चुका है, बट हमें अब समझ नहीं आ रही है कि उसके ऊपर डेकोरेट कैसे किया जाए। तो अब हमें रहा है कि जैसे हमारा चलता जाएगा हम वैसे ही डेकोरेट करते जाएंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक थीम के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम चॉकलेट्स डाल दिए मिल्की बार और नेस्ले, इसी का कुछ बनाएंगे। प्रिपेयर हो चुके हैं, अब हम करने लगे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की कटिंग अगर हो रही है, मैं ज़्यादा बेस तैयार करने लगा। तो हमारा पहला जो पिज़्ज़ा है वो जा रहा है कढ़ाई के बीच, और इसको रखना बड़ा मुश्किल है। इसको करेंगे Now it's time to put cutlet and cheese rolls into the oil. अब हमारी सारी चीज़ आ गई है रेडी। केक देख सकते हो कितना प्यारा डेकोरेट किया है रूम को ने, एंड ये भी हो चुका है रेडी। इधर क्या दिखाना है अब, तो ये देखिए आप, ये भी हो चुका है। रिदू किसका बर्थडे है? ये कौन आ गई, बताना किसका बर्थडे है? सिद्धू मूसे वाला दिल दानी माड़ा। तो अब हम पापा का जो केक है वो कट करने लगे। चलो रिदू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे डियर यू। वो पापा कट करो ना, पापा आपने कट नहीं किया, कट कर दिया। रिदू करो ना अच्छे से करो कट। आहा वाह, आये है, वाह जी वाह। पहले अपने घर वाले बंदे बर्थडे रिदू आना, मैं भी लीडी मारता। रिदू को स्कूल पापा स्कूल से मिले थे गिफ्ट, ये तो रिदू एक ला के दे रहे हैं। रिदू बोल रहा था अंकल पहले खोलो तो फिर आगे गुला कम करो। गिलास देखिए देखिए पापा रहने दो, ये करो टीचरों को मना किया हुआ है, लेकिन करेंगे तो बच्चों को सबको मना किया कि गिफ्ट नहीं लाना, हम ना संभाल सकते हैं ना लाना। एक दिन 500 गिफ्ट ले आए, कौन करे शर्मा ले तो वाह, उनको बोला हुआ है एक दिन गिफ्ट ले आए तो ठीक है। ठीक है जी, एक रहता है एक रह गया। रिदू की जो मांग थी ना कि गिफ्ट ओपन करो अभी के अभी, वो हो गई है पूरी। खुश है रिदू, हैप्पी ना यार? गाइस की मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे तक इतना प्यार रखते हो, मोहब्बत रखते हो। तो यही टीचर के लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है। मैंने तो पूरी ज़िंदगी में यही कोशिश की है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूँ, पता नहीं बन पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि किसी ना किसी तरीके से अपने आप को इसी टीचिंग में ही एक मुकाम बनाने की कोशिश की। और ये बता सकूँ कम से कम आने वाले बच्चे और दूसरों को फायदा दें।
बहुत बहुत शुक्रिया।